जय जिनेन, मैं रेखा जैन एक बार फिर से श्रीफल जैन न्यूज के कदम व्यक्तित्व में एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रही हूँ जो देश विदेशों में अपनी करिश्माई आवाज और जादुई व्यक्तित्व से छाप छोड़ने वाले हर दिल अजीज द रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला। चिंतन बाकीवाला संगीत की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं। सोनी टीवी पर प्रसारित के फॉर किशोर सिंगिंग रियलिटी शो में मशहूर हुए चिंतन बाकीवाला अब किशोर दा का एक दूसरा रूप है। इंदौर की शान चिंतन के संगीत के सफर की शुरुआत और उपलब्धियों पर स्वयं चिंतन बाकीवाला से हम रूबरू होंगे। तो नमस्ते चिंतन जी। सभी को जय जिनेंद्र। और पहले एक लाइन हमारे किशोरदा के गाए हुए गीत से, अरे प्यारे बंधुओं संगीत प्रेमियों, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारो यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको किशोर भक्त चिंतन बाकी वाला अरे इंदौर वाले का सप्रेम नमस्कार। चिंतन जी, आप बचपन में शाही नेचर के थे जी, ये कितनी सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल जो है, एक तो प्रश्न आपने कहाँ से निकाला, आपने मतलब मुझ पर कुछ ज़्यादा स्टडी कर रखी है देखा मैडम ने, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिला स्वभाव का था। जब शुरू शुरू में बचपन में भजन मुझे सिखाया गया, तब मुझे पूरे ग्रुप में बैठा के और बोल दिया जाता था कि आप भजन गाओ, तो मैं बड़ा शर्म से वो हो जाता था। और ये शर्मिलापन मेरा के फॉर किशोर के रियलिटी शो तक चला, ये शर्मिलापन। फिर हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे प्रांजल जी, उन्होंने ये बोला कि किशोर दा को अगर गाना है तो शर्म हटानी पड़ेगी और बेशर्म बनना पड़ेगा। तो फिर मैं नीचे, आज मैं जब शोज़ करता हूँ पूरे देश दुनिया में, पब्लिक में कूद जाता हूँ, नीचे स्टेज पे लेट जाता हूँ और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और गेस्ट के जाकर उनके साथ मस्ती छेड़खानी करता हूँ। तो शर्म हटाना ज़रूरी है अगर किशोर दा को निभाना है तो। जी, किशोर दा तो अपने आप में एक मेलोडी जी गायक थे और बहुत ही मतलब वो इतने मस्ती में गाते थे कि हम सब उससे परिचित हैं। चिंतन जी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ और मुझे गर्व है कि आज हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और मैं एक प्रॉपर इंदौरियन हूँ। हालांकि मेरे फादर और फादर की टोटल फैमिली, हम लोग माइग्रेट होकर इंदौर में आए थे मेरे बर्थ के पहले। ऑफकोर्स वी आर बेसिकली फ्रॉम, हम राजस्थान से हैं, जयपुर से, और जयपुर से जी। और लेकिन कुछ परिस्थितियाँ मेरे फादर की ऐसी बनी कि फिर वो इंदौर आए, इंदौर में आए, फिर इंदौर के ही होके रह गए और फिर मेरा भी जन्म इंदौर में हुआ जी। जी, तो ये गाने का जो सफ़र है आपका कब और कैसे शुरू हुआ? ये शायद जब से मैंने होश संभाला, एक मैं जैन समाज के होने के नाते हमारे एक बहुत प्रचलित भजन है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। तो मैं जब छोटा था, शायद 3-4 साल का ही रहूँगा उस वक्त, तो मेरी नानी ने और मेरे दादी ने, मेरे परिवारजनों ने मुझे ये भजन सिखाया। और जब मैंने ये स्वरबद्ध इस भजन को उसी तरीके से निभाया तो उनको एहसास हुआ कि इस इनके कंठ में स्वर है, चिंतन के कंठ में स्वर है, ये सुर से बाहर नहीं हो रहा है। तो ये ब्लेसिंग ही थी क्योंकि मैंने जीवन में कभी सीखा ही नहीं। तो जो है ये उस तरीके से चालू हुआ, भजन से चालू हुआ और फिर उसके बाद में फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फिर मैं बॉलीवुड में भी आ गया और फिर किशोरदा के गीतों को भी गा रहा हूँ और सब फिर उस तरह से चालू हुआ। तो आपके इस गायकी सफ़र में आपका ताकत कौन रहा, मतलब जिन्होंने आपको बिल्कुल पुश किया, आपको प्रेरणा दी, तो आपकी ताकत कौन रहा? वन एंड ओनली वन, माई मदर, मेरी माँ स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला। क्योंकि मेरी नानी के बाद में मम्मी ने मुझे बताया, मुझे परिचित करवाया कि ये जो प्लेबैक चल रहा है पीछे, ये प्लेबैक अलग होता है और एक्टिंग अलग होती है, और प्लेबैक के अंदर जो आवाज़ तू सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है वो किशोर कुमार जी की। ऐसे रफ़ी साहब हैं, मुकेश जी हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं,
लेकिन एक रूह का भी संबंध होता है ना रेखा मैडम की, वो ऐसे शायद जन्मों का कुछ संबंध है किशोरदास से, तो इसलिए मैं उनको, उनका दीवाना हो गया, उनको उनको प्यार करने लगा, उनको उनको फॉलो करने लगा। हालांकि मैं आज तक उनको ना देखा है मैंने, ना उनसे मैं कभी मिला, लेकिन हमेशा एक एहसास होता है कि वो मेरे पास हैं। तो मेरे को जो पूरा मार्गदर्शन दिया, चाहे के फॉर किशोर रहा हो, चाहे प्रोग्राम्स में जाने से पहले क्या कपड़े पहनना है, कौन से गाने लेना है और किस प्रकार से जीवन को जीना है, सिर्फ संगीत ही नहीं जीवन के हर पहलुओं को अगर कोई ने सिखाया तो वो मेरी मदर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसी माँ मेरे को मिली जो मेरी गुरु भी रही और पथ प्रदर्शक रही। माँ की तो एक महिमा है ही कि वो अपने बच्चों की पथ प्रदर्शक रहती है। बिल्कुल, पहली गुरु वह माँ ही रहती है। जी जी, फिर अलग अलग गुरु हो जाते हैं, मर्यादा का स्वरूप पिता होते हैं जो बाद में माँ की समझाइश के बाद में वो आगे बढ़ाते हैं बच्चों की संतान का, जो भी उनका आगे का ध्यान रखना। जी, तो गायन में जो आपका सफर स्टार्ट हुआ, तो आपने जैसे बताया कि भजन से मैंने स्टार्ट किया अपना जो गायन का सफर है, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट आया बाद में आप बॉलीवुड या जो भी जिससे अट्रैक्ट हुए, तो ये कैसे एकदम से आपके अंदर मोहर आया कि आप भजन गाते गाते और इस उस पर आए? नहीं नहीं, भजन मैंने सिर्फ मेरे एक चाइल्डहुड में ही गाया था। फिर उसके बाद में जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पहुंचा, तब मेरे को किशोरदा के गीतों को बहुत पसंद आने लगे, तो फिर मैंने उनको गाना चालू करा। स्कूल की तरफ से मैं प्रतियोगिताओं में जाता था, वहाँ मैं जीत के आता था। फिर मैं फिर कॉलेज में आया, फिर कॉलेज की पढ़ाइयों में लगा, वहाँ से भी मैं अपने पार्टिसिपेट करता था, कॉलेज के अंदर भी प्रतिनिधित्व करता था पूरे प्रदेश में और सब जगह जाकर, एंड गाता किशोरदा को ही था। तो ऐसे मेरे किशोरदा के प्रति दीवानगी, उनके सब गीतों के प्रति दोस्ती बढ़ती गई, और मुझे आज भी ऐसा लगता है, उस वक्त ही नहीं आज भी ऐसा लगता है कि वो गीत किशोरदा ने नहीं गाए, वो म्यूज़िक कंपोज़र ने किशोरदा से भी गवाए और वो गीत मेरे लिए भी बने हैं। अच्छा, मुझे इतना जैसे सांचे में ढल जाना, उस प्रकार से वो गीतों को मेरे गले के कंफर्ट के हिसाब से, गाने के हिसाब से, भावों के हिसाब से, फील्स के हिसाब से मुझे वो गाने बहुत अप्रोप्रिएट बैठते हैं। यहाँ तक कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैं उसमें भी मेरे म्यूज़िक कंपोजर्स को यही बोलता हूँ कि जो किशोरदा का तार सप्तक है, जहाँ तक वो ऊपर तार सप्तक तक ले गए हैं, मेरी वही रेंज है, वही रेंज है। तो मेरे जो गाने कंपोज होते हैं या जो गाने कंपोजर्स बनाते हैं, वो किशोरदा के पूरी रेंज को ध्यान रखते हुए मंद्र, मध्य और तार, ये तीन प्रकार की जो रेंज होती है। अच्छा, नीचे हे, फिर ये हो गया मंद्र, और फिर हे ये मध्य, हे ये तार। अच्छा, तो इन तीन सप्तकों का जो है वो ये कह लो कि मैंने कोई कुछ सीखा नहीं, कुछ करा नहीं, मेरे लिए तो मंत्र, मध्य, तार, शास्त्रीय, क्लासिकल, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे दोस्त, सब किशोरदा। बहुत बहुत सही। तो ये आपका शुरू से शौक रहा कि आपका प्रोफेशनली कुछ और मकसद था और बाद में ये आपका प्रोफेशन बन गया, तो कैसे क्या रहा आपका? जैसे आपने पढ़ाई करी, उस टाइम से ही आपने सोच रखा था कि मुझे म्यूजिक में ही आगे बढ़ना और यही मेरा प्रोफेशन है, कि आपका कुछ और बैकग्राउंड? नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम लोग एक बिजनेस फैमिली हैं, तो हमेशा हम बिजनेस में मैं बिजी रहा और म्यूज़िक को मैंने हमेशा एक पैशन के रूप में लिया, एक शौक के रूप में लिया, और ऑफकोर्स मेरे गुरु किशोरदा रहे हमेशा। लेकिन जीवन के एक मोड़ पर आके जो मेरे, जो कि आपको मालूम ही है, आप अभी आपने बताया के फॉर किशोर रियलिटी शो, वो उससे मेरा टर्निंग पॉइंट रहा, और फिर मेरे को फिल्मों के गाने मिलने लगे, मेरे शोज़ पूरे देश और दुनिया में होने लगे। फिर कहा भी जाता है, एक इंग्लिश में कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी चार्ज ना करो तो लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांट लेते हैं। मतलब आप महीने में 30 दिन में आप मालूम पड़ रहा 25 दिन बिजी हो, लेकिन आपके पास रुपया एक नहीं आ रहा। और वो ठीक है, मॉनेटरी गेन भी इम्पॉर्टेंट कितना है नहीं है वो आपकी अपनी खुद की सोच पर है, लेकिन लोग बाग आपका गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। सही है। तो वो उस चीज़ के नाते, फिर से मैं नाम लूँगा मेरी माँ का, पद्मा बाकी वाला, उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं,
अपने को कोई मॉनेटरी गेन्स का वो नहीं है, लेकिन अपने को रखना है जिससे कि कोई टेक इट फॉर ग्रांट नहीं ले। इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव रहता हूँ शोज़ को करने में भी, जिसमें मुझे लगता है कि लोग सुनने वाले हैं, इन्जॉय करेंगे, सुनेंगे, उस जगह पर ही मैं शोज़ करता हूँ। तो फिर मेरा ये बाद में प्रोफेशन में तब्दील हो गया, लेकिन ऑफकोर्स मेरा बिजनेस मेन बिजनेस है एंड म्यूज़िक साथ में मैं करता हूँ। ओके तो अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? ये तो मैंने गिना ही नहीं तो भी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे ही दिख रहा है, ये सिर्फ एक छोटा सा ही सेक्शन है। ऐसे करीब 8 से 10 सेक्शन है शायद पूरे घर के अंदर, जहाँ पर अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं। लेकिन रेखा मैडम, मेरे को काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड मिले, उपराष्ट्रपति जी से भी मिले, मुख्यमंत्रियों से मिले, प्रज्ञा सागर जी महाराज से मुझे जैन स्वरत्न अवार्ड मिला राष्ट्रीय स्तर पे, और ये सब मिले मुझे। लेकिन मेरे को सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड मिला जो मुझे डॉक्टरेट मिली। अच्छा। नई दिल्ली के अंदर मुझे पिछले वर्ष ही डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वोकल म्यूज़िक मुझे हासिल हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मैं अवार्ड मानूंगा, क्योंकि करीब 8 से 10 वाइस चांसलर्स जो हैं वो दिल्ली में थे, कल्चरल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और उन सब ने मिलकर जब मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि दी, और पूरा जो एप्रन पहना जाता है ब्लैक एंड पूरा एंड हाथ में आपको पूरा सर्टिफिकेट जो पीछे लगा हुआ भी है एंड डॉक्टर ऑफ इन वोकल म्यूजिक, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि अभी शायद और अवार्ड मिले नहीं मिले, लेकिन इसके मिलने से भी मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। ये नहीं कि अब अपन को डॉक्टरेट मिल गया, अब डॉक्टर चिंतन बाकी वाला भी हो गए, अब तो हो गया काम, ठीक है। हमारे इंदौर वाले भी यही कहते हैं कि चिंतन दादा आपने इतना नाम कर लिया पूरे शहर में, आपका इतना नाम है, सब है, अब और क्या। नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जितना अवार्ड मिले वो आपका आगे की रास्ता आपको प्रशस्त करता है, रास्ता खोलता है और आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि मेरी तो सोच ये है कि जब तक सांस है तब तक आस है, आखिरी सांस तक हमें कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको मनुष्य भाव मिला है। एक मनुष्य बने तो हमें अपने शहर, प्रदेश और देश के लिए करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड, ये सब अवार्ड भी मैं इतना नहीं इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वो है लोगों के दिल में घर करना। अगर आपने अवार्ड्स तो ले लिए, आपकी सब दीवारें और खिड़कियां सजी हुई हैं, लेकिन आपका कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है बोले यार इसके तो सुर इतने अच्छे नहीं लगते, इसकी गायकी इतनी दमदार नहीं है, ये इंसान इतना अच्छा नहीं है, तो फिर ये अवार्ड कोई काम के नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड है कि आप लोगों से प्रेम से मिलो, लोगों की ज़रूरतमंदों की सहायता करो, लोगों के दिलों में घर करो। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट अवार्ड। सही है, आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है जो आपने दो चीज़ें अभी बताई कि एक तो लोगों के दिलों में हमको जगह बनाना चाहिए, और दूसरा कि एक चीज़ और आपने अभी क्या कही थी कि मुझे डॉक्टरेट मिला तो मुझे ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ है पिछले साल से, और इसलिए मैं अभी अपना ज़्यादा समय इसीलिए मैं अभी म्यूज़िक में ज़्यादा दे रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस को थोड़ा ऑटोमेटेड जोन पे डाल के अभी मैक्सिमम टाइम आई एम इन मुंबई, मैं मैक्सिमम टाइम बॉम्बे में रहता हूँ, और मेरी इस साल बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और रिलीजिंग्स आ रही हैं। और मैं बस यही अपने श्रोताओं से भी यही आशीर्वाद चाहूँगा कि प्रेरणास्प्रद काम, चाहे राष्ट्र के काम में आऊँ, चाहे समाज के काम में आऊँ, धर्म के काम में आऊँ, या कुछ भी हो, प्रेरणास्प्रद गाऊँ। जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने कितने शोज़ कर चुके हैं? शोज़ भी मैंने गिने नहीं, लेकिन शायद 250-300 से ऊपर शोज़ मैं पूरे वर्ल्ड में कर चुका हूँ। वर्ल्ड में कहीं कुछ नहीं बचा है जगह जहाँ मैंने शोज़ नहीं करे, और मैंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी शोज़ किए। और आजकल मेरा एक्सक्लूसिव शो ही होता है, मतलब यानी कि पहले 3-4 सिंगर्स भी रहते थे बड़े मंचों पर, अब मेरे एक्सक्लूसिव शोज़ टिकट शोज़ इसी प्रकार से हो रहे हैं। और मेरे शोज़ में हर बार मैं नवीनता लाता हूँ, ये नहीं कि जैसे किशोर कुमार जी के 25 गाने तो हर शो में बस वही 25 चल रहे हैं। एक तो किशोर दा हजारों गाने गा जगह हैं, तो उसमें भी बहुत हमको मिलता है। फिर मेरे खुद के सॉन्ग्स हैं, फिर मैं शानुदा हैं, उदित नारायण जी हैं, अभिजीत हैं, अरिजीत हैं, मैं सब गीतों को गाने का प्रयास अपने शोज़ में करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा हमारे श्रोताओं को कि जिन्होंने किशोर कुमार जी रफ़ी साहब को साध लिया, क्लासिकल सीख रहे हैं और बड़े बड़े गुरुओं से सीख रहे हैं, वो तो उसका कोई मुकाबला नहीं, नथिंग लाइक इट। बट अगर आपने किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब को भी साथ लिया लाइट म्यूजिक प्लेबैक सिंगिंग के लिए, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशंस थे,
ये अपने आप में कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज थे बस। तो इसीलिए मैं बस मैं किशोर दा को पूरा ऑब्जर्व करता रहता हूँ और जो कुछ सीखा उनसे सीखा और मम्मी से सीखा। जी जी जी। तो संगीत की इस दुनिया में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें आपके आगे की और क्या प्लान है? अभी कुछ स्पेशल आपका कुछ होने वाला है या फिर आगे आपने कुछ ऐसा प्लान कर रखा है कि मुझे ये अचीव करना ही है या ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है? ऑफ कोर्स मेरे को जैसे हमारे जो देश के बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं फिल्म फेयर आईफा, आईफा का से ध्यान आया मुझे अभी, मेरे को मेरे खुद के ओन सॉन्ग आंखों की गुजारिश जो मिलियन व्यूज से ऊपर हो गया अभी यूट्यूब पे, उसमें मुझे टीवी आईफा अवार्ड मिला अभी बॉम्बे में दिसंबर में, ये 2 महीने पहले ही आई गॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। तो अच्छी बात क्या हो रही है रेखा मैडम और श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि जो किशोर कुमार जी के जो गीत हैं वो तो मेरे अंदर बसे हुए हैं, वो तो मेरी रूह है, लेकिन अब मेरे को मेरे खुद के गीतों पर, अब मुझे मेरे खुद के गीतों पर जो है वो मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, मुझे काम मिल रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मुझे एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे गीत, मैं कह भी नहीं सकता इतने सारे गीत इस साल 2024 में मेरे रिलीज़ होने वाले हैं, जिसमें देशभक्ति पे रहेंगे, भजन्स रहेंगे, हिंदी भाषा पे रहेंगे, हिंदी भाषा से रिलेटेड भी अभी आगे लगेगा तो बताऊंगा आपको कि हिंदी भाषा और भजन में मुझे आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रेरणा मिली है। अच्छा, और उसके अलावा फिल्म के गाने, प्रोडक्शन हाउसेस और इन सब में मेरे हर प्रकार से, हर तरीके से मेरे गीत इस वर्ष आ रहे हैं। अभी वर्तमान में आपने अभी जो जैन समाज में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जी जी जी, है ना, विद्यासागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है, समाधि मरण हो गया है, तो विद्यासागर जी महाराज के जीवन परिचय पर एक कोई फेमस गाना आपने गाया था, जी जी, तो वो आप 2 लाइनें उनकी विन्यांजलि पर बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, वो मैं गाना भी चाहूँगा और मैं यही बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा हमेशा बहुत क्लोजनेस रही और वो मुझे हमेशा बहुत वात्सल्य और आशीर्वाद देते थे। और कई बार तो उन्होंने ये बोला कि चिंतन जी ये आपके भजन चल रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं ये तो रविंद्र जैन साहब ने गा रखे हैं, तो बोले नहीं पहले तो मैंने आपसे सुना है इसलिए आपके भजन हुए। ऐसे कई मौक़ों पर, और फिर काफ़ी कुछ साल पहले एक मैंने एक नाम साचा एक नाम प्यारा गाया, कविता कृष्णमूर्ति जी जो मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, हम दोनों ने मिलके जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर आधारित था, और आज भी आपको बताऊँ चाहे पूर्णमती माता जी हों चाहे महाराज जी हों, आज भी सबसे ज़्यादा देखने दिखाने और सुनने वाला ये भजन है जो आचार्य श्री खुद स्वयं को भी बड़ा प्रिय था। तो इसकी मैं 2 लाइनें आप सबके सामने, एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा, तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्या सागर नाम तिहारा, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, विद्या सागर गुरुदेव। तो ये जो भजन है ये तो पूरे देश और दुनिया में खूब प्रसिद्ध है, लेकिन इस वर्ष करीब 15 भजन तकरीबन मेरे सिर्फ आचार्य श्री पर आधारित आ रहे हैं, जिनको लिखा है उनके शिष्य अलक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने, और वो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होना है और वो या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर कोई बड़ी म्यूज़िक लेबल पे रिलीज़ होने वाले हैं। कुछ जैसे कि अभी हमने आप सुना आपको और उससे हमें पता चला कि आपके आइडियल जो हैं वो किशोर दा रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा गीत जो आपके दिलों को छूता है ऐसा कुछ आप सुनाना चाहेंगे? ये हर बार एक कठिन सवाल होता है क्योंकि उन्होंने हजारों गाने गा रखे हैं और सभी मुझे उनके बेहद पसंद हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत भी सब पसंद हैं। तो लेकिन जिस पे लोगों को सुनने में भी मज़ा आता है और मुझे गाने में मज़ा आता है, वो मैं हल्की सी एक लाइन आपके सामने, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला, हो टिरडिरडिरडी बगा लू गा गा, हो टिरडिरडिरडी मिनी 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 आई
यूडी बगा लुगा गागा हो टिरड़ेड़ी उड़ी हो टिरड़ेड़ी उड़ी यो टिरड़ेड़ी उड़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप आज की यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को हम संदेश क्या दें? युवा अपने आप में आज परिपक्व हैं, वो अपनी अच्छे बुरे का सब समझ रहे हैं। आज का युवा करियर ओरिएंटेड हो गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने लग गए हैं और उसको इस कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में तो बहुत प्रतियोगिता है, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय देते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ में युवा के अंदर जो मैंने को आजकल देखने में आ रहा है रेखा मैडम, वो ये है कि जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अभी एक समय था जब 60-70% के अंदर में भी हमारे स्टूडेंट्स या हम लोग भी बहुत खुश हो जाते थे और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते थे कि 70% आ गया। आज ये हो गया है कि 95%, 99%, 97%, आधा आधा एक एक परसेंट में सीट्स रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, स्टूडेंट्स डिप्रेस हो रहे हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और मैंने तो सुना है और हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो रहे हैं और बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। सही है। तो मेरा ये यही हमारे युवाओं को कहना है कि आप अपने मन के अंदर सकारात्मकता रखें, और सकारात्मकता बोलने से नहीं आती है, सकारात्मकता आती है प्रभु के मंदिर में दर्शन करें रेगुलर जाकर। आप जो भी बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुई चित्त उसी में लीन रहो, आप जिसको भी माने उसके प्रति अपने पूरी श्रद्धा और आत्मीयता रखें, क्योंकि भगवान या देव देवी वो सकारात्मकता की ही मूर्ति होते हैं, वो आपको सकारात्मकता ही देते हैं। तो एक तो पॉजिटिविटी उधर, और दूसरे हमारे जो देवी देवता होते हैं वो है हम सबके माता पिता, क्योंकि माता पिता ही एक तरह से जीवंत पथ प्रदर्शक होते हैं, जिसमें माँ अपनी ममता और करुणा से हमारे अच्छे और बुरे, गलत और सही, पाप और पुण्य को समझाती हैं, और मर्यादा के रूप में हमारे पिता हमको आगे का हमारा जीवन लक्ष्य और मार्गदर्शन देते हैं। और हमें जनरली एक कच्ची उम्र में ये लगता है कि मम्मी जो बोल रहे समझा रही है वो गलत समझा रही है, पापा जो समझा रहे हैं वो गलत समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे सभी बच्चों को, युवाओं को, कि एंड ऑल गर्ल्स एंड बॉयज को, कि कभी भी जो अपना अंश होता है, माता पिता का एक अंश होता है उसका बेटा या बेटी, या तो अपने अंश का कभी भी कोई बुरा नहीं चाहेगा। वो दवाई कड़वी लगेगी आपको शुरू शुरू, लेकिन वो आपके जीवन के लिए वही दवाई आपके जीवन में काम आएगी। और जिस वक्त आपने अपने माता पिता से अगर मुंह मोड़ा और आपने अपने दोस्तों या गलत संगत में आके आप, तो आपकी राह आप भटकना निश्चित है। तो मेरा यही कहना है, ये तीन जो देवी देवता हैं, एक तो प्रभु जो मंदिर में विराजमान है, चाहे वो देवी के रूप में हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, और फिर माता और पिता, ये तीन देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हूं मैं, ये तीनों देवी देवता के अलावा बाकी सब आपसे हो सकता है स्वार्थवश मिले, आपसे मतलब के लिए मिले, लेकिन ये तीन ही आपका भला चाहेंगे। तो हमेशा अपने माता पिता का आप रक्षा करें, उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, और वो जब वृद्ध हो जाएं तब तो ज्यादा ध्यान रखें। और मैं यही कहूंगा, सकारात्मकता आएगी, धैर्य रखें, बी पेशेंट, कुछ समय आपकी सफलता में समय लग सकता है, परीक्षा आपकी होगी, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, डिप्रेशन में नहीं आए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, because we are proud to be Indian। चिंतन जी से मिलकर आज वाकई में लगा कि इनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, विजन बिल्कुल साफ है। तो श्रीफल परिवार, इंदौर की शान चिंतन जी का उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें चिंतन जी, और देश का, जैन समाज का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जाते जाते मैं यही बोलूंगा, रेखा मैडम को भी धन्यवाद, हमारे जो पूरा परिवार है, श्रीफल परिवार, हमारा जो जैन न्यूज चैनल है, इनके मेरे सभी श्रोताओं को मैं कहूंगा कि ये प्रोग्राम और इसी प्रकार से जितने प्रोग्राम्स हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा देखें, और अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने सभी को वायरल करें, फॉरवर्ड करें, और जो है
अपने आगे लक्ष्य के लिए आगे बहुत बढ़े। और जाते जाते बस यही कहूंगा कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आप लव दे दीजिए, प्यार देते रहिए। चिंतन रॉकस्टार एंड रेखा जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।